नई सरकार, संसद का नया सत्र। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। विपक्ष का हमलावर अंदाज। और प्रोटेम स्पीकर को लेकर बवाल। मैं भर्तृहरि महताब। 24 जून को विपक्ष ने संविधान की कॉपी लहराते हुए संसद परिसर में इस तरह प्रोटेस्ट किया। इस बीच टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है वो संवैधानिक प्रावधान का साफ उल्लंघन है। The way the protem speaker has been appointed is a clear violation of the constitutional provision. हालांकि बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को सही कदम बताया है, उसका पक्ष भी आपको बताएंगे, मगर इस मामले पर कांग्रेस के रुख से भी रूबरू करा देते हैं। लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस के कोडिकुनिल सुरेश जो अपने 8वें कार्यकाल में हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के महताब को इस कमजोर आधार पर नियुक्त किया गया है कि उनका दावा ज्यादा मजबूत है क्योंकि उनका लगातार 7वां कार्यकाल है। इसके आगे उन्होंने कहा, अगर ये दलील अपनाई गई है तो बीजेपी सांसद रमेश चंदप्पा के नाम पर विचार क्यों नहीं किया गया जो लगातार 7वीं बार सांसद हैं, क्या इसलिए कि वो सुरेश की तरह दलित हैं? वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस को सुरेश को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आप कोडिकुनिल सुरेश के राजनीतिक करियर को लेकर इतने चिंतित हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन्हें विपक्ष का नेता और 2026 के केरल चुनाव के लिए यूडीएफ का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। एक अस्थायी पद के लिए इतना तनाव क्यों? वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि महताब को इस पद के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि संसद के निचले सदन के सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल लगातार सबसे लंबा है। उन्होंने कहा कि हालांकि सुरेश 8 बार के सांसद हैं, लेकिन वो 1998 और 2004 में चुनाव हार गए थे, इसलिए वो लगातार सदस्य नहीं रहे हैं।